सरकार का। देखो देखो बस कोई वो नहीं, मैं आपको बता देता हूं। नहीं नहीं, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, उनका बयान है किरण रिजिजू का और जो है आधिकारिक बयान है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के जजों को तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो चुन करके जनता नहीं भेजती है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। एक दिल्ली में शराब घोटाला होता है, उस मामले में मंत्री साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। एक देश में सबसे बड़ा घोटाला होता है, वो साहब और जनाब अब तक बचे हुए हैं। ये दोनों वजहों को समझेंगे कि आखिर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार भी हो गए, पद से इस्तीफा भी दे दिए, लेकिन वही दूसरी तरफ अडानी साहब के यहाँ ना तो CBI गई, ना ED गई, यहाँ तक कि एक यूं कह लें कि एक सवाल का जवाब तक नहीं मिला। और सवाल का जवाब कौन देगा भी भाई, जो देगा वही जेल चला जाएगा। तो सवाल ये है कि दिल्ली की कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही थी और आम आदमी पार्टी का कहना था कि केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी तरक्की कर रही थी, इसलिए उनको रोकने के लिए दरअसल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वहीं जब हमारा आप देख रहे हैं कि अडानी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक महीने में उनके शेयर कहां से कहां चले गए, ये हम सबके सामने हैं। LIC और SBI के जो लोगों का पैसा डूबने वाला है, ये डूब जाएगा या फिर बचा पाएगी मोदी सरकार, जिसका कोई था पता नहीं है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इन दोनों मसलों को समझने की कोशिश करेंगे और मोदी सरकार कब जांच पड़ताल बैठाएगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पीयूष का रुख कर रहे हैं, पीयूष मेरे साथ मौजूद है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ पर इस वक्त हमारा मौजूद है वहाँ बड़ा घोटाला हुआ शराब को लेकर, हालांकि इसकी पुष्टि अब CBI करेगी तो ठीक है, सजा होगी या नहीं तो फिर निकल जाएंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई, पद से इस्तीफा भी हो गया। सवाल ये है कि अडानी साहब पे इतना बड़ा घोटाला हुआ, अब तो यकीन हो गया होगा देश के लोगों की घोटाला हुआ तभी उनकी बर्बादी शुरू हुई, उन पर कब कार्रवाई होगी मोदी सरकार? नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम जितनी विपक्ष की पार्टी है वो सब यही पूछ रही है कि कार्रवाई कब तक होगी। क्योंकि अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया केंद्र सरकार ने, बोला कि भैया देखो आप हमसे पूछताछ कर लीजिए, हम आपको सहयोग देने में बिल्कुल सक्षम है, यानी कि हम आपके बिल्कुल सहयोग करेंगे, ये बोला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला। अब देखिए अगर भाई, फिर राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि भैया देखो अगर आपको कोई डर नहीं है तो आप JPC की मांग से क्यों घबरा रहे, ये सवाल पूछा उन्होंने। अब जब देखिए कि ये सवाल लाजमी भी था कि अगर केंद्र सरकार नहीं रहती है, केंद्र सरकार ने कोई भी फायदा अडानी अंबानी को नहीं पहुंचाया है तो JPC की मांग से वो क्यों घबरा रहे हैं, ये सवाल थोड़ा खड़ा होता है। मनीष सिसोदिया के साथ जो हुआ सही या गलत? नहीं देखिए, अगर ये मैं कहने वाला तो हूँ नहीं सर, देखिए मैं तो कोई बतौर एक पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई संस्थान नहीं हूँ, अगर बतौर पत्रकार आम आदमी पार्टी का गलत हुआ ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सही हुआ कि गलत। नहीं बिल्कुल, अगर देखिए अगर वो जानते हैं कि उनके नेता सही हैं तो बिल्कुल गलत हुआ है। अगर वो जानते हैं, अगर उनके पास सबूत है वो पेश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या जिस भी कोर्ट में वो होगा अभी हाई, तो उसमें अगर वो सही है तो बिल्कुल वो सही होंगे उनकी नज़रों में। लेकिन अगर अभी तक जो CBI जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, अगर उसमें कुछ निकल के आता है वो सबके सामने आ जाएगा वो तो। लेकिन साहजीब और सीख से सवाल लेते हैं फिर काउंटर आपसे कि दिल्ली में जो हुआ मनीष सिसोदिया के साथ वो सही हुआ या गलत हुआ? देखिए दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी से तो इसको फ़ायदा पहुँचेगा। 2024 में सेंटीमेंट वोट के साथ इस बार आम आदमी पार्टी खेल गई, क्योंकि 9 महीने से सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया था और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा इतने दिन से शराब घोटाले का आरोप आज से थोड़ी लग रहा है, कब से ही लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन 2024 जैसे जैसे करीब आया, आप देखिएगा आम आदमी पार्टी का अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल करके देखिएगा तो मनीष सिसोदिया को ऐसे पेश करने का कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी जैसे वो भगवान थे गरीबों के लिए, गरीबों को पढ़ाई करवा रहे थे, फ्री शिक्षा और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने शिक्षा नहीं दी जी, बिल्कुल दी, और उसका प्रयोग कर रही है कि अब इस्तीफा दिलवा दिया अरविंद केजरीवाल ने, अब लोगों का सेंटिमेंट जो है वो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए जो है बढ़ेगा और इस वजह से फिर 2024 में साहजीब की बात है। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात, इन्होंने बोला कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सही नहीं थी, मैं इससे बिल्कुल डिफर करता हूँ, क्योंकि देखिए बात सही और गलत की नहीं है, बात है सबूत क्या मिले, सबूत मिले उनके तो जब सबूत का जी बिल्कुल, देखिए सबूत तो उनके खिलाफ नहीं मिले, कोई भी सबूत नहीं, देखिए गिरफ्तारी फायदा तो होगा ही, इसको आपदा को अवसर, आपदा को अवसर में, आपदा को अवसर में बदला, सबूत कहाँ मिलता है किसी भी विपक्षी नेता के जिस पर कार्रवाई हो रही है, आप देखिए सबूत कहाँ मिलता है, एक बस पार्ट चैटर्जी को हटा दी। मेरे ख्याल से देखिए शाहजेब खान साहब, मैं खान साहब से बोलना चाहता हूँ, देखिए खान साहब पहले CBI की चार्जशीट पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 140 मोबाइल
डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अगर देखिए जो मोबाइल थे, मैं बोलूँ चलो 140 निकले, एक भी करा तो क्यों डिस्ट्रॉय करा? उसमें लिखा हुआ है, सीबीआई ने सवाल पूछे हैं कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि मोबाइल यूज करके डिस्ट्रॉय किए गए किसी और के नाम पे, ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पर केजरीवाल ने, दिल्ली के सीएम ने खुद जो मेन जो कल्प्रिट है इसका, उससे फेस टाइम किया पैसे लेने वक्त, तो ये पूरा चार्जशीट में लिखा और इन्हीं के बिना पर सीबीआई उन्होंने कैसे? देखिए इन्होंने चार्जशीट पढ़ ली सीबीआई की, 144 मोबाइल फोन और फेस टाइम वीडियो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन 44 मॉरिसस की सेल कंपनियों का जिक्र है वो इन्हें नहीं पता होगा। वो ना भारतीय जनता पार्टी को पता है, ना किसी भी नेता को पता है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस पर बोलने को तैयार नहीं। सीबीआई नहीं बोल रही है, आईटी तोता नहीं बोल रहा है, कोई तोता जो है भारतीय जनता पार्टी का वो बोलने को इस पर तैयार नहीं। सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? इतना बड़ा आरोप गौतम अडानी पर लगा है, लेकिन बेनामी पैसा, चलिए मान करके चलिए नहीं है, गौतम अडानी ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन पर बेनामी पैसा आने का आरोप तो लग गया कि मॉरिसस कंपनी से भारत में बेनामी पैसा आता है, तो उस पर सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रहा गौतम अडानी के पास? नहीं देखिए, पहली बात तो इनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देखिए खान साहब की बौखलाहट, क्योंकि देखिए मैंने सबूत दे दिए कि देखिए सीबीआई नहीं, इसलिए अब सीबीआई इनके पास कोई जवाब नहीं तो हिंडनबर्ग पे चले गए। देखिए हिंडनबर्ग का मामला ये है कि एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अब आपको किसी कंपनी को बर्बाद करके फायदा होगा तो आप तो बर्बाद करेंगे ना उसको, चाहे झूठ से ही करिए। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं जिसको हम सच मान सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट पे ही तो सच मानेंगे ना हम, या तो अपनी जांच एजेंसी पे सच मानेंगे। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पूरा देखो 430 पन्नों का अडानी ने अपना पूरा ब्यौरा दिया था, जवाब दिया था। अब हिंडनबर्ग ने ऑफकोर्स देखो हिंडनबर्ग तो मना करेगी भाई हम इसको नहीं मानते, ऐसे अडानी भी नहीं मानता। अब देखिए अगर ये अडानी बिल्कुल ही खराब होता तो 33वें से 30वें नंबर पर तीन पायदान बढ़ गया, कल की रिपोर्ट देख लिया आप। तो ऐसे ही देखिए शॉर्ट सेलिंग कंपनीज हिंडनबर्ग जो है वो उसको यूएस में भी उसके ऊपर डिफेमेशन चार्जेस हैं बहुत सारे। आप पहले हिंडनबर्ग पर रिसर्च करिए। मैं खान साहब से बोलूंगा जी बिल्कुल। देखिए विदेशी कंपनी पर वाहवाही क्यों? अब आप देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आसिफ, इन्होंने एक बात की हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग कर रही है, ठीक है। मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, आम आदमी हूँ, और मैं अपने सोशल मीडिया पर जाऊंगा, 3-4 कुछ भी मनगढ़ंत विश्लेषण डालूंगा, और उसके बाद अगर मेरा विश्लेषण वायरल हो गया तो क्या किसी बड़े बिजनेसमैन का जो है जो शिखर तक पहुंचे हुए हैं वो वापस से शून्य पे आ जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है आसिफ। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जरूर कुछ है जिसको ट्रेडर्स ने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने पढ़ा है, तब जाकर के भरोसा नहीं है, पीयूष तो यही पूछ रहा है। अरे कोर्ट पे भरोसा, आप देखिए ना कि देश की जुडिशियरी को तो यहाँ पर है ना चुनौती देने का काम केंद्र की सरकार का। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, उनका बयान है किरण रिजिजू का, और जो है आधिकारिक बयान है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के जजों को तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो चुन करके जनता नहीं भेजती है, हमें तो चुन के भेजती है। अगर उन्हें भी चुन करके भेजने लगती तब वो है ना सरकार की आलोचना नहीं करते। तो सरकार की आलोचना अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो देश की जुडिशियरी है उसे कुछ गलत लग रहा है कि है ना देश में गलत हो रहा है और आलोचना कर रहा है, तो क्या गलत है इसमें? और आप कानून मंत्री हैं, आपको तो जुडिशियरी का सम्मान और उनके अहदों को बढ़ाना चाहिए, आप उनकी आलोचना कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ करके नहीं आ रहे, तब बात करें। अडानी मामले में कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए अडानी मामले में सिर्फ कहना चाहता हूँ कि देखिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप अपनी रिसर्च करिए। आप क्या दो चार वीडियो देख के आगे और आप बोले जा रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने सही करा ये करा है। भाई अगर अडानी सच में गलत है तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर हिंडनबर्ग इतनी सच्ची है तो जब अडानी का एफपीओ आने वाला था उससे मात्र 24 घंटे के अंदर ही क्यों उन्होंने क्यों रिपोर्ट करी, पहले क्यों नहीं करी? और हिंडनबर्ग इतनी अच्छी है, इतनी सच्ची है, वो अडानी को बिल्कुल एक्सपोज करने तो वर्ल्ड बैंक में क्योंकि आईएमएफ के पास क्यों नहीं गई, या कोई इंटरनेशनल फोरम पे क्यों नहीं गई कि अडानी को गिरफ्तार कीजिए? ये नॉर्मल सी बात है। तो एक आखिरी बात मेरा छोटा सा यही रहेगा पीयूष, कि आप भी मेरे मित्र हैं, कल मैं भी कहीं ऊंचे पद पर जाऊंगा तो आपके लिए भी ऐसे लोगों की टीम, आपके तरह लोगों की टीम खड़ा करूंगा जो आपका झूठ में भी समर्थन करे। जिस तरीके से सहजेब गोल गोल घुमा रहे हैं, मोदी जी भी इससे कम नहीं है, और इसीलिए अडानी मामले में हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि यकीन करें तो किस पे। लेकिन एक बात और एक सच्चाई है कि देश के जिन गरीबों का पैसा लगा हुआ उनके खून पसीने की कमाई है, और इस पैसे की कीमत वो गरीब लोग ही समझते हैं, ये अमीरों के खेल में हम और आप नहीं समझ पाएंगे। उम्मीद है कि जैसे मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई है, शायद अडानी पे इनके केंद्र सरकार की एजेंसियां शायद थोड़ा सा जो है ध्यान दे दे तो शायद इन गरीबों का पैसा बच जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे स्पिन 9 न्यूज़। नमस्कार।